तो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले एपिसोड के अंदर, जहां पर हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं हमारा फार्मिंग सिमुलेटर को। और गाइस, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, मैं ऑफलाइन ना थोड़ा सा वीट उगाया था और मैंने ऑफलाइन बहुत सारे कुछ चेंजेस किया है, मतलब बहुत सारे कुछ चेंजेस हुआ भी है, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहला तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उगाया था वीट और दिखाता हूँ लोगों क्या हो गया है वीट के साथ, क्या उगाया है वो बाद में दिखाता हूँ। वीट उगाया था इन तीनों खेतों में और साथ में इधर देख सकते हो अंडा ही अंडा होके रखा है, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो। गाइस, एक और चीज मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो कि है हमारे पास जो हार्वेस्टर था, देख सकते हो गाइस, मैं उसको सेल कर चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास जो ट्रैक्टर था एक जॉनडियर वाला, इसके जैसा एक जो जॉनडियर वाला ट्रैक्टर था, वो थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, पता नहीं क्यों ग्लिच हो गया था, उसके लिए मैं उसको सेल कर दिया था। तो जब उसको सेल कर दिया तो मेरे को पता चला कि भाई मैं सब कुछ सेल कर सकता हूँ, तो सेल करने के बाद मैं सारे चीजों को गाइस लीज कर सकता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो मैं सोचा हूँ कि हम हार्वेस्टर को सेल कर देंगे, जब जरूरत होगा हार्वेस्टर का तो हम लीज में बाय करके लेके आएंगे, ठीक है ना गाइस। तो लीज में लेके आएंगे और काम करने के बाद उसको फिर से रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास वो मतलब उसका जो मतलब पैसा लगता है उसको रखने के लिए, वो नहीं रखने वाला, ठीक है ना गाइस। और सीन कुछ ऐसा है, और जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो बहुत सारा ही हमारे पास अंडे जम चुका है, देख पा रहे हो गाइस, भर चुका है भाई। और जो दो खेत है उसमें, जिसमें मैंने अगले वाले एपिसोड में हम लोग ये लगाए थे, तुम्हारा क्या बोलते हैं ऑयल सीडर रैबिस लगाए थे, उसमें मैं क्या लगाया हूँ मैं बता देता हूँ। उस ऑयल सीडर रैबिस को मैं नहीं दिखाया, और देख पा रहे हो गाइस हम कनोला लगाए, मतलब सनफ्लावर लगाए थे, क्योंकि सनफ्लावर का प्राइस बहुत ज्यादा हाई चलता है, तुमने पहले भी देखा होगा। और फिलहाल अभी तो चेक करेंगे कौन सा आइटम का, यार मैंने जो वीट उगाया है ना, ये वीट मैं मतलब हमारे मुर्गियां जो है, मतलब चिकन जो है हमारे पास, उसके लिए उगाया था। तो मैं इसको सेल नहीं करने वाला वीट को, मैं सिर्फ वीट को ना, वीट को काट के स्टोर करने वाला हूँ। और इसमें अभी इससे इधर से निकल जाते हैं, क्योंकि इनका खाने का देख सकते हो 3000 और खाना बच के रहा है, मैं बाय करके भी इसमें खाना डाला था बहुत सारे। और ऊपर से गाइस तुम लोग देख पा रहे हो मेरे अमाउंट में, देखो कितना ज्यादा पैसा अभी भूख के रखा है, ठीक है ना गाइस। और मैं अगर तुम्हें प्राइस लिस्ट में चलता हूँ तो देख लेते हैं गाइस, सनफ्लावर का कितना चल रहा है, सनफ्लावर का ज्यादा तो बिल्कुल नहीं चल रहा है अभी भाई यार। सोयाबीन का 3000, देखो जब हम सोयाबीन नहीं उगाते तब सोयाबीन का 3000 चलता है, ठीक है ना, और जब हम सनफ्लावर नहीं उगाते तब सनफ्लावर का ये चलता है, यार क्या चक्कर चल रहा है यार। लेकिन अंडा है जो, अंडा का प्राइसिंग देखो तुम सारे भाई, वहाँ कसम ये देख पा रहे हो गाइस, और इसका टैग करे तो ये कौन से वाली जगह पे, उधर है बेकरी के सामने भाई, उधर सेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, हार्वेस्टर, और हार्वेस्टर में चलते हैं। तो जो छोटा वाला हार्वेस्टर होते हैं, छोटे छोटे हार्वेस्टर को मैं बाय नहीं करने वाला हूँ, मतलब लीज करूंगा तो थोड़ा सा ज्यादा ही लीज करूंगा, जिसका स्पीड वगैरह था 20 का स्पीड था। ये हमारे पास जो था वो वाला हार्वेस्टर है, और ये वाला हार्वेस्टर थोड़ा सा छोटा है उससे, और ये वाला ठीक ठाक है गाइस, ये चल सकता है गाइस, हमारा 10 लीटर का कैपेसिटी के सब आता है भाई। और मैंने ऑफलाइन और एक चीज बाय किया था, जो कि मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, जो कि है ये वाला चीज, ठीक है ना गाइस, जो कि है ये वाला चीज। हमने थोड़ा सा इसको रिपेयरिंग नहीं था, मैं इसका रिपेयरिंग भी किया था, ठीक है ना गाइस। जैसे तुम लोग देख पा रहे हो ये बहुत ज्यादा गहराई पे है, तो इसमें बहुत सारा आइटम लोड भी हो सकता है, ठीक है ना गाइस। तो फिलहाल मैं इधर से मतलब देखते हैं इसको अगर लीज करते तो कितना पैसा बनने वाला है, देख सकते हो लीज का। जैसे इसके अंदर तुम घुसोगे यार, पता नहीं ये बेल कहां से इधर आ चुका है, पता नहीं शॉप के अंदर इसका क्या सीन है। और मैं लीज में जाऊंगा तो 14,000 रुपए का ये बढ़ने वाला है हम लोगों को गाइस लीज के टाइम, ठीक है ना गाइस। तो 14,000 डॉलर का बढ़ने वाला है, और जो हमारे पास एक और था ये कितने का पड़ता है देख लेते हैं, ये 13,000 का। तो मैं सोच रहा हूँ कि वही लेता हूँ, क्योंकि सेम से भी पड़ने वाला है, तो इतना ज्यादा तो कुछ खास नहीं पड़ने वाला, तो मैं इसको ही परचेस मतलब लीज कर लेता हूँ गाइस। परचेस नहीं कर रहे हम लोग गाइस, लीज कर रहे हैं गाइस इसको, मतलब थोड़ी देर के लिए बोरो कर रहे हैं इन लोगों से, उसके बाद फिर से मतलब दे देंगे, रिटर्न कर देंगे हम चीजों को, ठीक है ना, लीज कर रहे हैं। और हार्वेस्टर में चलते हैं, अभी ये वाला हेडर हम लोगों को चाहिए गाइस। तो फिलहाल मैं के लिए एक बड़ा वाला हेडर खरीद लेता हूँ, जिससे कि हमारा तो जॉनडियर वाला ही था शायद से, मैं भूल गया कौन सा वाला था, हमने ये लिया, हमने लिया ये वाला जॉनडियर T560 का, और जॉनडियर T560 का कहाँ पर है देखते हैं गाइस, जॉनडियर
5 कौन सा वाला लिया जाए गाइस। इधर तो जॉन डियर R8 है, ऐसे करके कुछ है, जॉन डियर 2560 का कुछ नहीं है अलग से, तो इसमें कोई से भी चल जाएगा शायद से, मेरे को लगता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसी वाला, जॉन डियर वाला कोई सा भी चल सकता है, मेरे को लगता है ऐसा ही है। तो जॉन डियर वाला देख लेते हैं गाइस, जॉन डियर वाला थोड़ा सा बड़ा है और इसका जो साइज है 7 सेंटीमीटर का है, जो कि हम अभी बोरो करने वाले हैं गाइस। ये भी बोरो कर लेते हैं, लीज सारे लीज करेंगे गाइस, 2000 रुपए का ये पड़ने वाला है गाइस। और अभी हम चलते हैं सीधा हमारा इधर, ठीक है ना गाइस। देख पा रहे हो ये हार्वेस्टर कितना ज्यादा बड़ा है भाई। मैंने इधर प्लांटर, मैंने बहुत सारे चीजों को लीज ही कर रहा था, ठीक है ना गाइस। मैंने जो सनफ्लावर लगाया था उसमें प्लांटर लगा था, ठीक है ना। प्लांटर क्या चीज होता है मैं बाद में दिखा दूंगा, जब मतलब वीडियो के टाइम मैं बोरो करूंगा। मैं बोरो करके खेलने वाला हूँ जब तक हमारे पास अच्छा खासा पैसा ना बन जाता, ठीक है ना गाइस। और मैं क्या ही ड्राइव करता हूँ यार, मेरे को ना इस ड्राइव थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा इस गेम का यार, मेरे को ड्राइविंग थोड़ा सा गलत हो जाता है इस गेम पे भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत है इस गेम पे ड्राइविंग करना, बहुत ही ज्यादा मात्रा में दिक्कत है। और जैसे कि देख पा रहे हो गाइस, और अभी हम इसको लेके चलते हैं तुरंत, और इसका भाई 32 का स्पीड है भाई, ये तो बहुत तगड़ा जल्दी पहुंच जाएगा यार, ये ट्रैक्टर के जैसा ही भागने वाला है भाई। तो सीधा खेत में जाके मिलता है, ठीक है ना, फील्ड में जाके मिलता है गाइस। जैसे ही गाइस देख पा रहे हो हम पहुंच चुके हैं, और इधर हमारा खेत था, इधर भी सनफ्लावर मैंने लगा के रखा है, और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे इस वाले खेत पे। और जल्दी जल्दी इसको काम निपटा लेते हैं गाइस, जिससे कि तुरंत हमें चीज मिल जाए। और बेल भी बनाना पड़ेगा, मैं तो भूल ही गया था, बेल भी बनाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये तो वीट है, वीट में तो बेल भी निकलता है ना गाइस। और आज के इस वाले वीडियो में मैं लीज करके लेके आऊंगा सारे चीजें को गाइस, बहुत ज्यादा मजा आता है लीज करके, अगर तुम काम करोगे तुम्हें फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है इस गेम के अंदर। और एक्सपोर्ट कर लेते हैं भाई, देख सकते हो गाइस क्या ही मतलब ये अनफोल्ड हो रहा है, देख सकते हो गाइस। मैंने इसको डाउन भी कर लिया, और थोड़ा सा एंगल से मैं इसको कटने वाला हूँ, मैं नहीं कटूंगा, मैं इधर हायर कर लूंगा। तो फाइनली वर्कर को हायर कर लेते हैं गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो वर्कर काटना स्टार्ट कर चुका है वो भाई, क्या ही लग रहा है इस वाले हार्वेस्टर को यार गाइस, जैसे इसमें अगर देखोगे वो भाई साहब क्या ही लग रहा है, हमारा नया हार्वेस्टर बोल सकते हैं गाइस इसको, नया हार्वेस्टर लीज में लेके आया है गाइस, हमने नया हार्वेस्टर को लीज किया है गाइस। और थोड़ा सा मौसम खराब है आज का, मतलब मौसम खराब नहीं है, मैं जल्दी इसको रुकवा दिया था क्योंकि मैं फास्ट फॉरवर्डिंग किया था इस वाले चीज को। और जैसे कि देख पा रहे हो वो भाई साहब पर्ली क्या ही निकाला है भाई इतने, और ये क्या इधर ही नहीं नहीं घुमा रहा है गाइस भाई, देख सकते हो गाइस बहुत जल्दी कट जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि यार इसका जो सोर्स है ये भी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इसको कटने देते हैं गाइस, उसके बाद तुम लोगों से मैं मिलता हूँ। तो गाइस मैं बीच में सोचा कि भाई इस टाइम को कहे क्यों जाने दूं जब तक ये कट रहा है, तो इसको कटने देते हैं हम लोग, ठीक है ना गाइस। और मैं एक काम करता हूँ कि हमारे पास जो एग्स है उस एग को लेके जाओ इधर सेल करके आओ गाइस, इधर सेल करके आते हैं गाइस। और हमें बाय करना है एक, इसको लेके चलते हैं क्योंकि हमें एक चीज लेके आना है जो कि मैं दिखा रहा हूँ, मैं उधर चल रहा हूँ। तो फाइनली गाइस मैं शॉप पे आ चुका हूँ, और अभी चलते हैं शॉप, एग्जैक्ट शॉप के अंदर, और हम एक चीज बाय करने वाले हैं जो कि है ये नहीं, कहा गया बैक करना है ये नहीं था, इसके अंदर था जो कि है ये वाला चीज, जो कि मैं इस बाय नहीं करता हूँ, लीज ही करूंगा क्योंकि भाई हमारे प्रॉफिट है लीज करने से ही गाइस। और लीज क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ तुम लोगों को, जिससे कि हमें फायदा मिल जाए, सिंपल सी बात है गाइस, लीज करने से इसका ज्यादा पैसा नहीं लगता। देखो जैसे तुम्हें अगर खरीद के इसको फालतू में फैला के रखोगे तुम्हारे पास, फायदा तो है नहीं उसको उस वाले चीज का गाइस, तो इसी के वजह से। और यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्या ही कर रहा हूँ यार, एक अटैच नहीं हो पा रहा है मेरे से यार, क्या नूबंदी कर रहा हूँ मैं इधर, आई एम नूब अटैच हो गया गाइस। तो इसको मैं अभी लेके हमारे उधर चलते है गाइस, इसके अंदर अंडा लोड करते हैं और सेल करने के लिए आते हैं इस वाले लोकेशन के अंदर, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो गाइस। तो फाइनली यार गाइस देख सकते हो ये वाला खेत तो कट भी चुका है पूरा का पूरा तरीके से, और मैं भी पहुंच चुका हूँ अंडे को उठाने से पहले इस वाले मतलब हार्वेस्टर को मैं इधर भी सेट कर दूंगा, और थोड़ा सा अंडा रखने के लिए उठाने के लिए इधर पार्क कर लेते हैं, क्योंकि अंडा को लेके आके मेरे को उठाना पड़ेगा। हार्वेस्टर हाँ इसका काम खत्म हो गया है, फाइनली इसका काम खत्म गाइस, जैसे तुम लोग देख पा रहे हो। तो जब तक ये खत्म ना हो जाए, हाँ खत्म हो गया है, तो अभी देख पा रहे हो भाई
44% वाई वाई फुल। इसको फुल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, 10,000 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है गाइस ये वाला। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में मतलब चीजें हटा सकते हो तुम इसके अंदर। भाई ये सही है, जब तुम मतलब फालतू में बुश से काम करोगे टाइम भी लगेगा, ऊपर से तुम्हारा मेहनत भी दूसरा और होता है गाइस, इसी के वजह से दिक्कत होता है। तो और भाई क्या हो गया, स्टॉप हो गया था मैनुअली मेरा हाथों से, मैंने बेकार में डाप दिया था। तो फाइनली ये भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, इधर से उतरता हूँ और इधर गाड़ी के अंदर ना अंडे लोड करता हूँ। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा लोड करने के बाद ही मिलता हूँ तुम लोगों से, ठीक है ना गाइस। तो फाइनली यार गाइस ऐसे ही तुम लोगों को दिखा दूं, तो मैं इतना सारा लोड करवा चुका हूँ और जगह नहीं हो पा रहा है, शायद से गिर जाए। तो इसी के लिए इतना सारा तो और भी रह गया, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो भाई बहुत सारा रह चुका है अभी भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रह चुका है। और गाइस और इसी के साथ देख पा रहे हो हमारा उबाला ट्रैक्टर मतलब हमारा जो हार्वेस्टर है उसका भी, और ये फुल भी हो चुका है, 99% में फुल हो चुका है गाइस, 10,000 के आसपास हो चुका है। और तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इधर साइलो में डाल देता हूँ ऐसे ही करके ले जाके, और बाकी सारे चीज़ों को, अरे इधर तो हार्वेस्टर में रुक जाएगा शायद से, नहीं भैया बहुत सारा चीज़ें हैं। देख पा रहे हो गाइस मेरा दिमाग देखना अभी कैसे करके डालने वाले हैं इस चीज़ को, मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में डालने वाला हूँ। जैसे कि देख पा रहे हो गाइस ये ट्रिक्स है गाइस, देख पा रहे हो ऐसे ही करके पूरा का पूरा डल जाएगा, और जैसे ही डल जाएगा तो तब तक के लिए डालने दो ऐसे ही डालता। अरे यार बैठे रहना रहेगा यार, ये तो दिक्कत वाली बात है गाइस, इधर बैठे रहना पड़ेगा नहीं तो ये ऑफ हो जाएगा यार, पूरा डालना पड़ेगा पूरा से। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। तो फाइनली यार गाइस ऐसे ही देख पा रहे हो खत्म होने वाला है, खत्म हो भी चुका है गाइस, मैं जस्ट बोला खत्म होने वाला है यार, खत्म हो भी चुका है। तो फिलहाल इसको भी मैं रोटेट करवा के लगा देता हूँ काम पे, क्योंकि ये वाला जगह भी काटना है हमारा, ये रह चुका है जैसे ही देख पा रहे हो गाइस। और मेरे को थोड़ा सा ये हार्वेस्टर को हम लोग लीज में लेके रखा है, बता रहा हूँ पहले फिर से, और ये वाला हार्वेस्टर को ना हम रिटर्न नहीं करने वाले, ठीक है ना गाइस। हम क्या करने वाले हैं गाइस, हम करने वाले हैं कि इस जो हेडर है इसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि सनफ्लावर इससे नहीं कटता है, ठीक है ना। सनफ्लावर के लिए जो हमारा तुम्हारा मतलब हेडर चाहिए होगा वो बाई कर लेंगे, सिर्फ हेडर रिटर्न कर देंगे, हेडर का मतलब बाई नहीं करेंगे, वो भी लीज करेंगे गाइस, जिससे कि हमें पैसा ही मिलता रहे, ठीक है ना। तो मैं चलता हूँ गाइस फिलहाल के लिए अंडा बेचने के लिए। जैसे कि देख पा रहे हो मेरे को थोड़ा सा संभल कर निकलना पड़ेगा, बहुत सारे आइटम है और मैंने नीचे लॉक करके रखा है, लेकिन ऊपर वाला जितना भी है सारा लॉक नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे को डर भी लग रहा है यार, रोटेशन में पड़ ना जाए यार तो मेरा मेहनत और बढ़ जाएगा गाइस, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा धीमा चलने वाला हूँ गाइस, अगर गिर जाता है यार खतरनाक सीन हो जाएगा यार। तो मैं पहुंचता उधर और पहुंच नहीं वाला हूँ, थोड़े से दूर में, अब ज्यादा दूर तो है नहीं, तो इसको जाके सीधा उधर ही पार्क करने वाले हैं गाइस, और थोड़ा सा स्लो लेते हैं क्योंकि मेरे को डर लग रहा है गाइस। फिलहाल देखो पहुंच भी चुके हैं, लेकिन मेरे को डर ये है कि ये भाई साहब गिर ना जाए बस। और सेल होना स्टार्ट चुका है, हाँ सेल होना स्टार्ट हो चुका है जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो गाइस, और सेल होने में इसको उठा के अंदर इधर के डालता हूँ, इधर सेल होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, और भी ज्यादा सेल होना है भाई, सेल क्यों नहीं हो रहा है, और ज्यादा सेल होना है। और ये क्या है, वो भाई साहब ट्रैक्टर का ट्रॉली बना हुआ है, एक सेकंड गाइस इधर और अंदर साइड से नहीं लेगा वो भाई, ये लिमिटेड लेता है यार भाई, अच्छा खासा पैसा बन जाता है यार। अब हमको अभी इसको फिर से लूट करवा के लेके जाना पड़ेगा, अरे यार दिक्कत हो गया गाइस, अभी कहाँ पर मिल रहा है यार, कितना दूर जाना पड़ेगा मेरे को, ऐसे ही इसको चलाने में डर लग रहा है यार। इधर देखते हैं कहाँ पर है, फूड रेस्टोरेंट उधर है सामने ही है, और ये फूल हो चुका है, ये नहीं लेगा, देखोगे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, लेके चलता हूँ, देखना इधर रखता हूँ, जैसे देखो हार्वेस्ट इनकम 0 दिखा रहा है, देखा मतलब ये नहीं लेगा, और इसका मतलब एक लिमिटेड तक ही लेता है, ठीक है ना। और क्योंकि ज्यादा चाहिए नहीं होता है ना इन लोगों को, और हमारे पास जितना मतलब हमने हार्वेस्ट तो नहीं करके लगा था, मतलब वो जमते जमते इतना बन गया गाइस। ये देखो सनफ्लावर भी पकने वाला है थोड़ी देर में यार, बहुत ज्यादा काम है यार, फार्मिंग सिमुलेटर का वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी होने वाला है, ठीक है ना, हमेशा बोलता हूँ मैं। अरे पड़ गया, सारे के सारे पड़ गया, अरे पड़ गया भाई, गिर गया, मेरे को इधर ले आके बेचना पड़ेगा इन लोगों सबको भाई यार, दिक्कत है भाई, ये सेल होने दो भाई साहब, बहुत सारे चीजें नहीं
रहे हैं भाई। लास्ट वाला ये है हमारा, क्योंकि मेरे को अभी इसको भी सेल करना है, तो अगर ले जाएंगे जैसे इसका कम्प्लीट हो जाएगा। हाँ अभी ये भी कर लेते हैं भाई, देखो 3 लाख पे पहुंच जाएगा भाई, लग तो रहा है 3 लाख नहीं पहुंच पाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा यार। ओ भाई हमारे पास तो और भी है, मैं तो भूल ही गया, चलो गाड़ी में बैठो यार, बैक कर लो यार गाड़ी को, बैक साइड से निकल लेते हैं गाइस, हमारे पास तो और भी है ना गाइस। A few moments later. तो गाइस जैसे ही देख पा रहे हो हमारा हार्वेस्टर का काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको आगे जाके ऑफ करूंगा, क्योंकि ये अगर पीछे वाले हिस्से में घुस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और आप भी देखो मैं क्या करूंगा, इधर जाऊंगा, ये जो ये है टॉल, ये देखो इसमें ना सनफ्लावर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको मैं रिटर्न कर दूंगा, तो मेरा पैसा भी बच रहा है, मेंटेनेंस का पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है ना गाइस। और ऊपर से मेरा हार्वेस्टर मेरे पास रह जाएगा, ठीक है ना, अभी तो हार्वेस्टर को मैं बाद में ये कर दूंगा, और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ इनसे सारे के सारे ये उठाने उठा के उसमें लोड करवा लेता हूँ। भाई पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा गाइस पैसा ही पैसा होगा पैसा ही पैसा होगा गाइस। तो फिलहाल मैं इसको लोड करवा लेता हूँ, उसके बाद तुम लोगों से मिलता हूँ, ठीक है गाइस। तो यार गाइस जैसे कि देख पा रहे हो मैं लास्ट ये बचा हुआ है, और मैं सारा लोड करवा चुका हूँ, 6-6 पीसेस है, और आज तो हम 3 लाख डॉलर के ऊपर जाएंगे, आज अच्छा खासा लोन पेमेंट भी करने वाले हैं हम। और सनफ्लावर मैं ऑफलाइन काट लूंगा, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा काम पे निकलना भी है, रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा बड़ी होने वाला है भाई, बहुत गेम बहुत ज्यादा बड़ी चल गया है हमारा, और मैं इसको सेल करने वाला हूँ इधर ही, क्योंकि उधर तो सेल नहीं हो रहा था, तुम्हें दिखाई था मैंने, और इधर भी अच्छा खासा प्राइसिंग मिल रहा है अभी के लिए। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, इनका जो लॉक्स है मैं सारे के सारे खोल लेता हूँ, जैसे कि देख पा रहे सारे गए लॉक लगा के रखा था, तो इनको अभी अनअटैच होना था इनको भाई यार, अटैच क्यों कर रहा हूँ मैं, बस अनअटैच हो चुका है सारे के सारे, मैं एक एक करके उतारवाता हूँ जैसे कि गाइस देख पा रहे हो, और मैं इसको रखता हूँ इधर, इसका सेल होने दो, और इसका इसके बाद इसको डालेंगे, और देख पा रहे हो गाइस सेल हो रहा है, तुरंत टाका पैसा बढ़ रहा है, पैसा देखो ऊपर के साइड राइट साइड के ऊपर पैसा देखो गाइस क्या ही बढ़ रहा है गाइस, 27,700 के ऊपर भाई क्या ही पैसा बढ़ रहा है यार गाइस। A few moments later. उसके बाद देखो 3 लाख के ऊपर चला गया है गाइस, वो भाई पैसा ही पैसा भाई क्या ही बोले गाइस, फिलहाल पैसा ही पैसा हमारे पास, तो भाई 1 लाख तो लोन आज पेमेंट ही कर देंगे पूरा का पूरा भाई। देख पा रहे हो $35,000 भाई साहब, $35,000 हमारा लोन पेमेंट हो चुका है, और मैं साथ ही साथ इस गाड़ी को फिर अभी के लिए रिटर्न कर देते, ये वाले ट्रेलर को जो कि हमने पीछे अटैच करके रखा था, जो 300 देखो अभी फालतू में खरीद के कोई फायदा है नहीं, तो मैंने रिटर्न कर दिया है, जो भी चाहिए जो रेगुलर वाली गाड़ी है वो के उसमें ही काम मिल जाएगा हम लोगों को गाइस। अभी तो मैं इसका दिखा रहा हूँ भाई, पैसा ही पैसा मिल रहा है इससे, मैं सोच रहा हूँ पीछे पीछे में ये वाले जगह को ना ऐसे ही ये फार्म खोल देते हैं भाई, बहुत पैसा मिल जाएगा, अमीर बन जाएंगे भाई, मुर्गिया पाल के अमीर बन जाएंगे गाइस। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ गाइस, आज के इस वाले वीडियो को इतना ही रहने देते हैं गाइस, बहुत सारे काम किए हैं हमने, और ओ जाने से पहले गाइस हम लोग करते हैं लोन पेमेंट, जो कि मिलेगा हम लोगों को कहाँ पर पैसा कहाँ पर है इधर, तो लोन पेमेंट करेंगे आज 1 लाख रिफंड करने वाले हैं गाइस, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, $1,00,000 रिफंड करने वाले हैं गाइस हम लोग, फिलहाल जैसे ही तुम लोग देख पा रहे हो $1,00,000 हमने पूरा का पूरा खत्म भाई, देख पा रहे हो $5,00,000 लेते भाई एक दिन में खत्म भाई पैसा, देखो इधर 3 लाख था भाई, 2 लाख 1 लाख हमने पूरा का पूरा दे दिया, और टोटल लोन अमाउंट पेमेंट हुआ है तुम लोग देख पा रहे हो 3 लाख अभी लोन है हमारे पास, 5 लाख लोन लिए थे गाइस हम लोगों ने, याद करो तुम लोग गाइस, फाड़ दिया है हमने, जस्ट फाड़ दिया है गाइस। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ, तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मिलता रहेगा तुम लोग, आज तो वीडियो में मेरे को ही मजा आ गया, तुम लोगों को तो बहुत ज्यादा मजा आया होगा, तो कमेंट करते हुए जाना कि कितना मजा आया है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय बाय एपिसोड गाइस, बाय।